The gap was just 20 runs, so we kept losing at regular wickets at regular intervals, and that put us back in the chase. दोस्तों केकेआर के खिलाफ 21 रन से मुकाबला हारने के बाद आरसीबी का ड्रेसिंग रूम काफी ज्यादा निराश नजर आया। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, मैक्सवेल टीम के प्रदर्शन से काफी निराश नजर आए, क्योंकि आरसीबी ने इस मैच में काफी ऐसी मिस्टेक करी जिसके चलते आरसीबी यह मुकाबला हार गई। पहले आरसीबी ने फील्डिंग में काफी रन आउट छोड़े और दो कैचेस ऐसे छोड़े जिसके चलते मैच पलट गया। नीतीश राणा ने कैच दे दिया था अपने 10 रन के अंदर ही, पर उसके बाद वह 40+ रन बना गए और आरसीबी 200 रन से ऊपर दे गई केकेआर को। इसके बाद बैटिंग में एक बार अच्छी शुरुआत हुई थी फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली की। फैफ डुप्लेसी का विकेट वहां से शहबाज अहमद को ऊपर भेजना खेलने के लिए और मैक्सवेल का भी वो फॉर्म नजर नहीं आना। फिर विराट कोहली और महिपाल लोमरो ने एक बार फिर से अच्छी पार्टनरशिप करी, पर वहां से उस पार्टनरशिप को आगे नहीं बढ़ा पाए और आरसीबी बाद में दिनेश कार्तिक और सूर्यांश प्रभुदेसाई के भरोसे थी, पर उन दोनों ने ही वो प्रदर्शन नहीं किया जो करना चाहिए था। आरसीबी इस मुकाबले में कई बार मौका मिला आरसीबी को जीतने का, पर हर बार मौका गंवा दिया और आखिरी में आरसीबी 20 रन से मुकाबला हार गई। हार के बाद आरसीबी के कोचेस ने कहा, हमने रजत पाटीदार को एक बार फिर से काफी मिस किया। अगर रजत पाटीदार जैसा बैट्समैन हमारी टीम में इस बार भी होता, शायद हम इस बार कई मुकाबले जीत सकते थे जो हम काफी क्लोज हारे हैं। रजत पाटीदार का टीम में ना होना काफी दिक्कत कर रहा है आरसीबी को। दोस्तों आरसीबी के इस मैच में हार का जिम्मेदार आप किसे मानते हो? क्या आरसीबी अगले मुकाबले में एलएसजी को हराकर कमबैक कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।